जाट को प्रशासन दबाना चाहता है, लेकिन हमने भी वादा किया था भाई हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, टकराव वाली बात नहीं करेंगे। देखिए जाट भाई एक जगह जो वहाँ मुकर्र की थी हाईवे के साथ, तो प्रशासन ने रात में उसमें पानी, ज़मीन में पानी लगा दिया। हम सुबह वहाँ पहुँचे तो हमें थोड़ा सा दुख हुआ उस बात का कि भाई हम बीसी और एसपी से मिले थे, कल प्रशासन से बातचीत हुई थी, हमने कहा था भाई हम शांति प्रिय ढंग से धरना लगाएंगे, लेकिन जाट को आज अपने खेत में धरना लगाने से रोका जा रहा है। ये जाट के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। प्रशासन उकसाने की कोशिश कर रहा है जी? हाँ, ये उकसाने वाली कार्रवाई है, क्योंकि जब हम वायदा कर चुके हैं कि भाई शांति प्रिय ढंग से हम आंदोलन चलाएंगे, लेकिन सरकार हमें उकसा रही है, तो इसका मतलब सरकार की नीयत में, प्रशासन की नीयत में खोट है। आपने जगह बदल ली क्या, यहीं पर रखेंगे? नहीं, देखिए आप यहाँ जाट इकट्ठे हुए हैं कुछ आपस में विचार विमर्श करके कि भाई आगे की हम रणनीति क्या अपनाएं, भाई सरकार के साथ हम टकराना नहीं चाहते, अगर सरकार टकराएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे धरना रखेंगे या नहीं रखेंगे? नहीं, वो तो विचार करेंगे, सलाह करके ना उसके बाद हम फैसला लेंगे कि भाई हमने क्या करना है। भाई टकराव की नीति अपनानी है, भाई सरकार तो हमें उकसा रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले भी बहुत नुकसान हो चुका है, क्योंकि जाट समाज को बदनाम करने की कोशिश की, जिस तरह मूर्खल कांड था वो झूठा कांड था, उसमें जाट को बदनाम करने की कोशिश करी, और जो हमने अब ये सोचा है कि भाई पिछले आंदोलन के दौरान शहरों में ज़्यादा तोड़फोड़ हुई थी, इस बार हमने ये सोचा है कि भाई हम गाँव में धरना प्रदर्शन लगाएंगे, शहर में हम उसके शहर में मतलब हम सरकार को नोटिस देंगे। हमारे मुद्दे 2 तारीख को परिवहन मंत्री के साथ दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसमें हमने ये कहा था कि भाई अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, पहले आरक्षण का मुद्दा था, चलो वो कोर्ट में है, लेकिन जो मतलब जिस तरह 22 फरवरी 2016 को मुख्यमंत्री जी ने हमसे वायदा किया था, तब ये धरने उठाए गए थे, और उन्होंने ये वायदा किया था कि भाई जो शहीद हुए हैं बच्चे उनको 10-10 लाख रुपए देंगे और उनके आश्रितों को नौकरी देंगे, और जो मुकदमे हैं और जो जेलों में बच्चे हैं उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 25 मई को जींद में देशद्रोह के मुकदमे 130 सरकार ने कर दिए, प्रशासन ने कर दिए, वो जाट के साथ फिर अन्याय किया। जब शांति प्रिय धरना धर्मशाला में किया जा रहा है उसमें कोई ऐसी देशद्रोह की कोई बात नहीं, और वो जाट को दबाने की कोशिश की जा रही है।